ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे और घटनास्थल पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंच गए हैं, घटनास्थल का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल इस हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंच गए हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हैं पीएम मोदी, अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री। ओडिशा ट्रेन हादसे में दरअसल 288 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और 1000 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम अभी भी। मिस्टर मोदी, you can see that Mr. Modi, Mr. you can just behind me, the Honorable Prime Minister, he has come to Ground Zero to take stock of the situation, and you can see that he will be going into this area to really see what's the ground situation. राहत कोष से पहले ही ऐलान किया जा चुका है राहत का, जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए और जो घायल हुए हैं उनके लिए भी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक भी की थी, उसमें समझा भी था कि कैसे ये हादसा हुआ, रेल हादसा पेश आया है, और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल भी जानेंगे, घायलों से वो मिलेंगे भी। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि लगातार चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए थे और अब घटनास्थल पर बालासोर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें हैं ये, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनसे मिलेंगे भी, उनसे मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है इस हादसे में, जबकि 280 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, 280 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। तो बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकराई, इनमें एक मालगाड़ी भी थी। बहुत ही भीषण और दर्दनाक ये हादसा, ये घटना स्थल की तस्वीरें, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं जायजा लेने। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं, हादसे का जायजा ले रहे हैं। कितना भयानक ये हादसा रहा होगा, इसे एक तस्वीर को देखकर ही आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। ओडिशा के बालासोर में यह हादसा पेश आया था, पहले एक ट्रेन पटरी से उतरती है और उसके बाद दुरंतों जाकर बेहद तेज रफ्तार में उससे जा टकराती है, एक और ट्रेन फिर टकरा जाती है। जहां घटना घटी है वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेहद हृदय विदारक ये हादसा। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक हजार से ज्यादा लोग जख्मी
इस हादसे में हुए हैं। हालांकि पहले ही प्रधानमंत्री राहत कोष से राहत का ऐलान हो चुका है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक भी बुलाई थी। उस बैठक में भी इस हादसे के बारे में जाना था, समझा था कि आखिर हादसे की वजह रही क्या है, कैसे ये हादसा हुआ है। और अब घटनास्थल पहुंचे हैं। घटनास्थल पर ओडिशा के बालासोर में, जहां ये बेहद ही हृदय विदारक घटना घटी है, तीन ट्रेनें आपस में